कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। वसुधा के सारे लोग हमारे कुटुंब हैं, हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। और ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत वेद शास्त्रों से प्रमाणित है। हमारे पृथ्वी पर जितने लोग निवास करते हैं वो हमारे संबंधी हैं, हमारे अपने हैं और भगवान के ही अंश हैं। चाहे वो किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वो हमारे लिए आत्मवत् हैं, हमारे कुटुंब हैं। और उनकी कामना, जैसे हम पाश्चात्य दार्शनिकों को भी देखें तो पाश्चात्य दार्शनिक भी इन बातों को स्वीकार करते हैं कि हम एक ही भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारे जो पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य हैं, वह एक ही भगवान से विस्तृत हुए हैं और इनका सबका भाव भी एक ही है, सबका लक्ष्य भी एक ही है। परंतु समय के योग से और सिद्धांत के योग से, अलग अलग मान्यताओं के योग से सब भिन्न भिन्न मार्ग पर चलते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। लक्ष्य हमारी भगवान की प्राप्ति है, सुखों की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है। और यूं तो आनंद सुख हमारा स्वरूप है, हम उस स्वरूप को विस्मृत करके और भटकते हैं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी बसता है और मृग उस सुगंधी के लिए बेचैन सा उस पूरे जंगल में दौड़ता है। नाभि तो कस्तूरी तो मृग की नाभि में है, परंतु वह जंगल में दौड़ता फिरता है। ऐसा ही स्थिति हमारी भी है। हम सब चेतन हैं, सहज हैं, अमल हैं और सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमने जड़ता की, हमने अज्ञानता की, हमने तरह तरह के गंदे विचारों की एक चादर ओढ़ रखी है। उस चादर को हम विचार पूर्वक देखें तो वह चादर स्वयं का ओढ़ा हुआ है, वह अज्ञानता स्वयं का ओढ़ा हुआ है। ये संत जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को शांति और आनंद का संदेश देते हैं, जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। ऐसे आनंद से परिपूर्ण महापुरुष ही दूसरे को आनंदित कर सकता है। जो आनंद से पूर्ण नहीं है वह दूसरे को भी आनंदित नहीं कर सकता। आनंद हमारा स्वरूप है, सुख हमारा स्वरूप है। अज्ञानता के कारण हम दुखी हो रहे हैं। मानव सभ्यता में ये जो सनातन संस्कृति है, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति भगवान से प्रार्थना करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो संसार में जितने भी प्राणी हैं, केवल हिंदू नहीं, केवल सनातनी नहीं, केवल ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, मुस्लिम नहीं, बल्कि इस संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं, लाखों प्रकार के जीव जंतु कीट पतंग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य को प्राप्त करें, सभी स्वस्थ हों, पुष्ट हों, और सभी लोग सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी की दृष्टि में आनंददायक चीजें ही दिखें, दुख देने वाली चीजें किसी को भी न दिखे, ऐसी हमारी भावना है। और इसके संवाहक, इसके अगली पीढ़ियों में और आगे समाज में इसको संप्रेषित करने वाले ये संत समुदाय, संत समाज, जो आज संतों का दायित्व है, वह आपको चेताने का दायित्व है कि आप ठीक रास्ते पे चलो, बी गुड बी हैप्पी। बिना ठीक रास्ते पे चले आप कभी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। बी गुड बी हैप्पी, बिना अच्छा हुए, बिना सत्कर्म किए हुए आप कभी भी कोई आनंद की प्राप्ति ही नहीं कर सकते। तो यह हमारा स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। आनंद को छोड़ करके हम विषाद का,
चिंता का और अनेक प्रकार के कष्टों का आवरण खुद ही ओढ़ लेते हैं और दूसरे को मानते हैं कि हमको अमुक व्यक्ति ने दुख दिया। कौन कोकर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल सब भोगने के लिए आते हैं। हमारी ये जो मैत्री भावना है, हमारी जो ये विश्व मानवता के प्रति, विश्व में सभी प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में जो उद्गार हैं वह संप्रेषित करती हैं, वह हम सबको लाभान्वित करती हैं और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे सभ्यता को, पूरी मानवता को एक संदेश देते हैं कि बिना अच्छा हुए, अज्ञानता को समाप्त किए आप सुखी नहीं हो सकते। अज्ञानता के मूल में दुख है।